तो इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग के लिए सबसे पहले चाहिए होगा आपको इस पोज में आपका एक फ़ोटो, अगर आप किसी बिल्डिंग के पास जाएंगे तो ऐसे ही खिंचवा सकते हैं फ़ोटो। और फिर उसके लिए चाहिए होगा आपको बीच में इसका बैकग्राउंड इरेज करना होगा। अगर आप नहीं जानते कैसे बैकग्राउंड इरेज करते हैं तो यूट्यूब पर सिंपली सर्च करेंगे तो आपको कई सारे वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो पहले ऐसे फ़ोटो करके फिर आगे की एडिटिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिवाली की एडिटिंग। सबसे पहले आप अपनी एक फ़ोटो का ऐसे पोज में करके खिंचा लीजिएगा, जैसे मेरी ये फ़ोटो है, आपको दिखाते हैं ये वाली। आप लोगों को ऐसे ही पोज करके किसी बिल्डिंग में ऐसी अगर हो तो वहाँ पर खिंचा लेंगे। अगर नहीं खिंचा पाएंगे तो लास्ट में मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा, फिर उस जैसे आप कर सकते हैं। तो अगर आपने ऐसे खिंचा लिए तो मैं इसे सबसे पहले कर लेता हूँ ब्लैक एंड वाइट और कर लेंगे सेव। फिर क्या करना है, आपको जाना है ड्रा टूल में। ड्रा टूल में जाने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक एम्प्टी लेयर में फिर एक फ़ोटो ऐड कर लेनी है। यहाँ से आपको मैं इसका बैकग्राउंड का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर सेम बैकग्राउंड आपको चाहिए। वैसे अगर आप चाहें तो कोई और बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। मैं ये वाला बैकग्राउंड चूज़ करता हूँ, ये वाला। अब चूज़ करने के बाद आप जैसे इसका रिसाइज करना चाहते हैं साइज़ का बदल सकते हैं। अब इसको पहले जहाँ तक इरेज किया हुआ है बैकग्राउंड वहाँ तक मैं पहले इसको सेट कर लूँगा और फिर इसको ले आऊँगा मेरी पहले वाली फ़ोटो जो का इरेज की थी उसके नीचे, उस लेयर के नीचे ले आएंगे इस लेयर को और फिर कर लेंगे एडजस्ट अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा है। यहाँ पर जैसे अगर आप एडजस्ट कर लेंगे जैसे आप चाहते हैं, एडजस्ट करने के बाद आप फिर इसको कर लेंगे ऊपर से सेव। सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जाना होगा टेक्स्ट में। टेक्स्ट में लिख लेते हैं, जैसे हैप्पी दिवाली लिख लेते हैं। आपको जो कुछ लिखना होगा आप अपने मन से लिख सकते हैं हैप्पी दिवाली। और हैप्पी दिवाली लिखने के बाद जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। और आप अगर आपको सेम फॉन्ट चाहिए तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये कस्टम फॉन्ट ये आपको पिक्सआर्ट के अंदर नहीं मिलेगा, अलग से आपको ऐड करना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कस्टम फॉन्ट ऐड किए जाते हैं पिक्सआर्ट में तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। तो ऐसे हैप्पी दिवाली लिख लेते हैं और इसकी मैं ओपेसिटी कर लेता हूँ थोड़ी सी कम जिससे दिखने में अच्छा लगे। ये करने के बाद सेट कर लेंगे जैसे आपको सही लगे, मुझे यहाँ पर सही लग रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद कर लेंगे ऐड फ़ोटो। ऐड फ़ोटो में जाने के बाद मैं सेलेक्ट कर लूँगा ये मोमबत्ती वाली एक फ़ोटो है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे ये। अब इसको कर लेंगे हम ऐड। ऐड करने के बाद इसको हम जाकर ब्लेंड में जाकर स्क्रीन पर कर देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे ये इन दोनों के बीच में। अब यहाँ से थोड़ा सा इरेज में जाकर इसको थोड़ा सा साइड से इसे सही कर लेंगे ताकि एजेस ना दिखें। कर लेंगे हार्डनेस और ओपेसिटी को कम और फिर किनारे किनारे से इसको थोड़ा सा कर लेंगे कम। और इसको कम करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम कर लेंगे सेव ऊपर वाले क्लिक से। फिर इसको कर लेंगे हम डन, दिखने में अच्छा लग रहा है। फिर कर लेंगे इसको सेव। फिर यहाँ से हम कर लेंगे इसको अपनी गैलरी में सेव। गैलरी में सेव करने के बाद अब हम चलेंगे लाइटरूम में। लाइटरूम ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ से हम कर लेंगे अपनी वही पिक्सआर्ट वाली एडिटेड फ़ोटो को ऐड, यहाँ पर क्लिक करके फिर कर लेंगे ऐड। ऐड करने के बाद जब ये इंपोर्ट हो जाएगी तब हम जाएंगे उसी फ़ोटो में। और एक मैंने आपको ये जो प्रीसेट है इसका प्रीसेट मैं आपको दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसका पहले हम इसकी सेटिंग्स को कॉपी कर लेंगे यहाँ पर जाकर। फिर कर लेंगे हम यहाँ से इसकी कॉपी सेटिंग को कॉपी कर लेंगे। फिर इसके बाद जाएंगे हम वही अपनी वाली फ़ोटो में जिसको हमने एडिट किया है, हाँ इस फ़ोटो को हम कर लेंगे सेलेक्ट। और फिर ऊपर थ्री डॉट वाले बटन पर जाकर फिर इसको कर देंगे पेस्ट। देखिए आप कितना गजब लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, एक डार्क टोन लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है मुझे देखने में। ये आप किसी भी फ़ोटो में अप्लाई करेंगे बहुत ही बढ़िया ही लगेगा, चाहे जिस फ़ोटो में आप करेंगे। और फिर इसको हम कर लेंगे सेव टू डिवाइस हाईएस्ट क्वालिटी में। फिर इसको हो जाएगा हमारा सेव। अब ये हमारी फ़ोटो दिवाली की बनकर तैयार है, अब हम इसे कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मैंने बताया था कि लास्ट में बताऊंगा कि अगर आप ऐसा पोज ना दे सकें तो फिर क्या करें। मैं अपनी फ़ोटो जो है आपको इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप क्या करेंगे कि इरेज में जाकर मेरी ये वाली फ़ोटो की मुझे यहाँ से कर लेंगे आप इरेज। मुझे आप यहाँ से इरेज करके फिर
अपनी फ़ोटो को यहाँ पर लगा सकते हैं अच्छे से, यही इसी जगह पर देखने में अच्छा लगेगा, मतलब एडजस्ट करेंगे तो आप एकदम सही से लगने लगेगा। तो फिर थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए अगर आप और कोई ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं या कोई आपके सवाल सुझाव हैं, और कर लीजिए फॉलो मुझे इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मैं ऐसी फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ जिससे आपको आइडियाज़ मिलते रहेंगे और आप ट्यूटोरियल के लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।